जोर से बोलना जरा, पहले नाम बोलना। बोल। मेरा नाम है चंदा रामलू। हमारा एसोसिएशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ब्लाइंड एंड लेम वेलफेयर एसोसिएशन, अमजद दौला पलकनुमा हैदराबाद। हाँ, हम लोगों पूरा डिजेबल पर्सन्स 321 आए, तो हम लोगों को मिनी मैचेस मैडम 1988 में पट्टा दिए थे। फिर 2000 में बनवरलाल साहब कलेक्टर आया था, उन्होंने मकाना बना के दिए। और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर बना, जब करंट का पोल डाल के हमारे करंट आन दिए। फिर बाद में हमारे को चावल का ये होता बोल के स्पेशल कोटा, डिजेबल कोटा, कोटे के कोटे से हमारे के एक रेशन शॉप डाल दिया था। और वो शॉप अच्छा चला। और 3 साल का पहले जो रेशन डीलर शॉप है उन्होंने रेशन दे दिया था, उसके में तेलंगाना गवर्नमेंट आए तो काम भी ले सकते बोल के ये दुकान बदली करी। वो चंद्रन गुट्टा, अब मैं जो है कलेक्टर के पास जाके साहब हम माजूर हैं, हम लोगों को चलने नहीं आता, हमारे को हमारा कॉलोनी में तो रहना बोल के हम डिमांड करे थे। जब कलेक्टर साहब सीआरओ को, सीआरओ से डायरेक्टर को फोन करके फिर 606 दुकान को अटैचमेंट करके हमारे को एंडोर्समेंट दिए। देखो ये दुकान से दूसरी दुकान को बदली करी। ये दुकान वाला जो है बिल्कुल नहीं चलने वाले को उनको रेशन घर तक ला के पहुँचा रहे, हमारा सुकून हुआ। हमारे बोलते नहीं है, आजू बाजू वाले को भी टाइम पे ये रेशन पूरा दे रहा था, अच्छा चल रहा। लेकिन जो है सौकतट्टी ये सो ऑफिस वाले इंस्पेक्टर मिलके फिर ये दुकान से 408 हमारी दुकान शिफ्ट करे साहब। शिफ्ट कराए तो वहाँ एक जंक्शन है नाबीना साहब, मेट्रे लेने के लिए जाके वो जंक्शन में लग के नीचे गिर गया था। इसके लिए हम बोल रहे का एक साल से ये दुकान में चल रहा, अभी भी यही दुकान को अटैच करके हमारे को मेंटेनेंस करना बोल गए, गुजारिश कर रहा हूँ। और ऑफिस अगर नहीं करा तो अगले फिर से फैसला हुए तक मैं भूख हड़ताल बैठने वाला हूँ बोल के मीडिया वाले को पूरों को धन्यवाद करते हुए आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ। चढ़ाने के लिए हमारा कॉलोनी को बुलाए थे, आया था, आके क्या बोले उनको मातम अभी ना करो, ये जो रेशन काम भी ले सकते सर जी, सही है। बदकम्मा साड़ियाँ बोल के, रमजान कपड़े बोल के, we'll be right back।